ईगा, टाइगर को पालतू जानवर की तरह पट्टा बांध के रखे हो। अरे रे रे, गाढ़ा खून बह रहा है। तन्ने मारे भाई को मारा, मारे सीने में कुल्हाड़ी भोंकी, फिर भी थारी सांसें चल रही है, जाने है क्यों? गला काटे तो आदमी एक बार मरे है, उका सपना मारे है तो रोज घुटके मरे। सर, स्टुअर्ट पुरम को बदलने का इसका सपना आप खत्म कर दो, इसको मैं खत्म करता हूं। थारी फैक्ट्री बंद करने का पूरा इंतजाम हो गया। कल हम हैदराबाद के सीएम को मिलकर आए हैं। उमारे से बोले, स्टुअर्ट पुरम जैसे बदनाम गांव का साथ देके बदनाम नहीं होना, परमिशन कैंसल। तन्ने मारने के बाद थारे पूरे गांव से पढ़ाई लिखाई का भूत उतारूंगा, पूरे गांव को उसकी औकात वापस याद दिलाऊंगा। अमेरिक पार्टी ऑफिस से फोन है। अचानक पता नहीं क्या हो रहा है, तुम्हारा एमएलए का पद तुमसे छीना जा रहा है और पार्टी से भी तुम्हें निकाला जा रहा है, और वो जो फैक्ट्री जिसे तुम रुकवाना चाहते थे उसकी स्थापना करने के लिए केंद्रीय मंत्री खुद जाने वाले हैं। ए, कहाँ बकरा है बे? हम खुद सीएम से मिलकर आया, परमिशन कैंसिल का ऑर्डर है। फैक्ट्री बनाने का ऑर्डर पता है किसने दिया है? पीएम। नागेश्वर राव का तरीका जरूर गलत था, पर उसका इरादा नेक था। उसने जो किया है वो कोई भी सिपाही अपनी जन्मभूमि बचाने के लिए करता, इसलिए नागेश्वर राव मुजरिम नहीं है, वो क्रांतिकारी है। तू सिर्फ सीएम तक पहुंचा, लेकिन मैं तो पीएम तक पहुंचा यलामंडा। तू किस्मत वाला है, तेरे सपने को कुचलने के बाद मैं तुझे घुट घुट के मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा, बल्कि अपने वादे के मुताबिक सीधा तेरा सर काटूंगा। किसी को ना छोड़ूंगा, पूरा स्टुअर्ट पुरम बर्बाद कर दूंगा, दाग रे सारा लोहा इसके अंदर। मैं कोई पालतू जानवर नहीं हूं जिसे तू बांध कर रख सकता है, टाइगर हूं। जंगल में शांति से जो रहते थे उन्हें चोर बना दिया, मतलब के लिए हमारा इस्तेमाल किया,
हमें पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया और अगर पढ़ भी गए तो कभी नौकरी नहीं दी। यहां तक कि फैक्ट्री बनाने का काम भी रुकवा दिया। बर्बाद करने वाली फसाद की जड़ तू है। तुझे जड़ से उखाड़ दिया तो मैं भी सुकून से जा पाऊंगा। आज हम दोनों का किस्सा खत्म। जा जरूर रहा हूं लेकिन खाली हाथ नहीं।